Hello you all, hope you all are fine. So let's start the fundamentals of computer chapter number 1 for class 6. In this chapter we are going to study the topic 1 is what is a computer system. Kehne ka matlab ye hai ki computer system hota kya hai. Second point, parts of a computer system. Computer ke kaun kaun se parts hote hain. Point number 3, how does computer work? Matlab ki computer kaam kaise karta hai. Point number 4, characteristics of computer. मतलब जो कंप्यूटर होता है उसके क्या क्या characteristics होती हैं, क्या क्या खासियतें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में. और next point है application of computers, मतलब कि कंप्यूटर को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो आता है वो आता है what is a computer system, मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है. तो the term computer is derived from the Latin word computer, मतलब कि जो कंप्यूटर वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड जिसको कि हम कंप्यूटर बोलते हैं उससे ये रिकग्नाइज करके या डिराइव करके लिया गया है. ठीक है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना. कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, और उसी वर्ड को थोड़ा मॉडिफाई करके कंप्यूटर वर्ड बनाया गया, या यूँ कहें कि कंप्यूटर से डिराइव करके कंप्यूटर नामक वर्ड बना. अब आगे देखिए, अ कंप्यूटर इज एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेस दिस डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड गिव द रिजल्ट. ठीक है, यहां से यहां तक आप देख सकते हैं इसको. इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो होता है वो एक बहुत ही एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि रॉ डेटा का मतलब होता है अनयूजफुल डेटा, उसको एज अ इनपुट लेता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है सीपीयू के थ्रू, और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद वो हमें आउटपुट या रिजल्ट प्रोवाइड करता है जो कि हमारे लिए यूजफुल होता है. अब वो ये काम कैसे करता है, तो वो प्रोसेसिंग का जो काम होता है रॉ डेटा टू स्पेसिफिक डेटा, ये काम उसके सीपीयू में होता है जिसके अंदर की बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंडर में वर्क करते हैं और उस डेटा को प्रोसेस करते हैं. ठीक है, अब आते हैं हम, इट ऑल्सो सेव्स आउटपुट फॉर द फ्यूचर यूज, यानी कि ये जो है ये आउटपुट को स्टोर करके भी रखता है ताकि हम फ्यूचर में इसको यूज कर सकें. इट कैन प्रोसेस बोथ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल एरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस. कहने का मतलब ये है कि ये एरिथमेटिकल और मैथमेटिकल न्यूमेरिकल दोनों प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है. न्यूमेरिकल मीन्स बेसिकली जो मैथ के प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिविजन, ये सब. और लॉजिकल मतलब कि जिन क्वेश्चंस में लॉजिक होता है उनको भी ये सॉल्व कर सकता है. इन अदर वर्ड्स, कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल मशीन दैट स्टोर्ड एंड रिट्रीव्स डेटा एंड परफॉर्म्स हाई स्पीड लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस. दूसरे शब्दों में हम ये कहें तो कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन होता है. प्रोग्रामेबल का मतलब होता है कि जिसकी प्रोग्रामिंग हम खुद से कर सकते हैं, और वो क्या करता है, डेटा को स्टोर भी करता है और रिट्रीव भी करता है. ठीक है, एंड परफॉर्म्स हाई स्पीड लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस. इसके अलावा वो बहुत ही हाई स्पीड पे मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है. द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी समराइज्ड एज इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल. और कंप्यूटर के वर्किंग प्रिंसिपल को हम सिंपली समराइज्ड कर सकते हैं एज अ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल के रूप में. अगर आप इसको और अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये जो इमेज है इसमें आप देख सकते हैं इनपुट करने के लिए कुछ डिवाइसेज हैं जिनमें कि कीबोर्ड है, स्कैनर है, माउस है, माइक्रोफोन है, वेब कैमरा है, जॉयस्टिक है. इनका बेसिक काम होता है रॉ डेटा को कलेक्ट करना या इनपुट लेना, उसके बाद सीपीयू के थ्रू ये प्रोसेसिंग होता है, और प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट मिलता है हमें आइदर मॉनिटर के डिस्प्ले के थ्रू, प्रिंटर के थ्रू टेक्स्ट फॉर्म में, और या आइदर स्पीकर के थ्रू साउंड के वर्जन में. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस इमेज में कि ये पूरा का पूरा एक कंप्यूटर साइकिल बनाता है, जो क्योंकि कंप्यूटर बार बार इसी वर्क को रिपीट करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और डेटा को आउटपुट प्रोवाइड कराता है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या होते हैं. तो द कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड यूजर. ठीक है,
कंप्यूटर बेसिकली 4 पार्ट्स को कंटेन करता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड यूज़र। आप देख सकते हैं कंप्यूटर में डेटा, रॉ डेटा मैंने अभी बताया, जिसकी प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट मिलता है, उसे हम डेटा कहते हैं। हार्डवेयर वो होता है जो हमें दिखता है सामने से कि हाँ ये कंप्यूटर का CPU है, ये मॉनिटर है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है, एट्सेट्रा। यूज़र मतलब वो पर्सन जो कि कंप्यूटर को यूज करता है, और सॉफ्टवेयर मतलब वो चीज़ें जिनसे जिनके थ्रू डेटा का प्रोसेसिंग होता है, या आप बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिंपल वे में। ठीक है, अब आइए देखते हैं। हार्डवेयर, इट कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिकल पार्ट दैट मेक अप द कंप्यूटर एज अ मशीन। द हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ द फिजिकल डिवाइसेज अटैच्ड टू द कंप्यूटर। दिस डिवाइसेज आर रिक्वायर्ड फॉर इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग द डेटा। कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव एंड CD/DVD ड्राइव, प्रिंटर, प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड आर सम ऑफ द हार्डवेयर डिवाइसेज। ठीक है, अब सिंपली इसका मतलब क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स, यानी कि ये बेसिकली मैकेनिकल पार्ट्स को कंटेन करता है, जिससे कि कंप्यूटर एक मशीन की तरह बनकर कंप्लीट होता है। बेसिकली इसमें सारे के सारे फिजिकल डिवाइसेस अटैच्ड होते हैं, और ये डिवाइसेस इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये डेटा को स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं और आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। सिंपल वे में अगर हम हार्डवेयर की डिफिनीशन बोलें तो वो ये होगा कि हार्डवेयर मीन्स द डिवाइसेस विच वी कैन सी, टच एंड फील। मतलब कि हार्डवेयर उसे कहते हैं हम, जिस कंप्यूटर के उस पार्ट को कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। सबसे इजी डिफिनीशन है ये, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन सी, टच एंड फील इज नोन एज हार्डवेयर। ठीक है, अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर पे। तो सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन हम यहाँ से देख सकते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर अबाउट द टास्क एंड टू बी परफॉर्म एंड हाउ दिस टास्क टू बी परफॉर्म्ड। प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। सबसे बेसिक पहली चीज देखिए क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये पहली चीज। सेकंड चीज कि ये क्या करता है, ये कंप्यूटर को बताता है कि विच टास्क टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि कौन सा काम करना है, और तीसरा हाउ टू परफॉर्म, मतलब कि कैसे करना है। ठीक है, ये बेसिकली तीन चीजों पे फोकस करता है। पहला ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, दूसरा ये बताता है कि किसी भी काम को कैसे करना है, और तीसरा किस काम को पहले करना है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बेसिकली कुछ स्पेशल लैंग्वेजेस होते हैं जिनमें ये लिखे हुए होते हैं, जिनको कि नॉर्मल ह्यूमन समझ नहीं सकता, वही समझ सकता है जो कि इस लैंग्वेज के बारे में स्टडी करा हो, और उसके अलावा ये लैंग्वेज कंप्यूटर बहुत आसानी से समझ सकता है। ठीक है, अब किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और ये डेटा को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद वो प्रोसेस करते हैं और समझते हैं कि इसके साथ करना क्या है। जब वो ये समझ जाते हैं कि इसके साथ करना क्या है, तब प्रोसेसिंग का काम स्टार्ट होता है, और आफ्टर प्रोसेसिंग हमें आउटपुट प्रोवाइड होता है। अब देखिए, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है वो खुद से सारे टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता है, उनसे वो काम करवाया जाता है। अब उनसे वो काम कौन करवाता है, सॉफ्टवेयर। जैसे कि देखिए, हमारे हाथ जो होते हैं, हमारे पैर जो होते हैं, वो खुद नहीं हिलते डुलते, इनको हिलाने डुलाने के लिए कंट्रोलर होता है जो कि काम करता है, जिसे हम ब्रेन बोलते हैं। यानी कि हमारे बॉडी के सारे टास्क ब्रेन के कंट्रोल के थ्रू परफॉर्म होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में हार्डवेयर जितने भी काम करते हैं उन काम को कंट्रोल कौन करता है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब एक बार और देख लेते हैं हम सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन। तो पार्ट ऑफ कंप्यूटर
which we cannot feel and touch. Okay, ek bar aur dekh lete hain. The softwares are the part of computer which we cannot feel and touch. Hum software ko dekh sakte hain computers ke through, but feel nahi kar sakte aur unhe touch nahi kar sakte. Theek hai, yahan tak clear hai aap sabhi ko? Chaliye ab aage badhte hain. Data kya hai? They are isolated value or raw facts which by themselves have not much significance. मतलब कि ये एक तरह के raw facts होते हैं या isolated value होते हैं जिनका कि बहुत ज़्यादा significance नहीं होता है, ठीक है? For example, the data like 29 January 1994 just represents value. जैसे कि अगर हम देखें कि 29 January 1994 है, ये सिर्फ और सिर्फ value represent कर रहा है, ठीक है? हमें पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है, क्यों है, बस हमें पता चल रहा है कि यहाँ कोई डेट है, एक डेटा है जिसमें कि कोई डेट के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है. द डेटा इज प्रोवाइडेड एज इनपुट टू द कंप्यूटर. हम इस डेटा को प्रोवाइड करा रहे हैं कंप्यूटर को कैसे, एज इनपुट विच इज प्रोसेस टू जनरेट सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जो कि कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा और कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा. अब उसके बाद आते हैं हम यूजर पे, ठीक है? तो यूजर, देर आर पीपल हु राइट्स द कंप्यूटर प्रोग्राम और इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर. दे आर ऑल्सो नोन एज स्किन वेयर, लाइन वेयर, ह्यूमन वेयर और पीपल वेयर. ऐसे लोग जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं या कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम्स को लिखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूजर्स. यूजर्स को और क्या क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं स्किन वेयर, लाइव वेयर, ह्यूमन वेयर एंड पीपल वेयर. स्किन वेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन के बारे में है. लाइव वेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जीवित होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं. ह्यूमन वेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन है. और पीपल वेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूजर बेसिकली पीपल ही होते हैं, ठीक है? अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ डज कंप्यूटर वर्क. कंप्यूटर काम कैसे करता है, तो देखिए, अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस डेटा, जनरेट डेटा एंड स्टोर्स डेटा. द कंसेप्ट ऑफ जनरेटिंग आउटपुट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इनपुट डेटा इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज इनपुट प्रोसेस आउटपुट कंसेप्ट. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर का वर्किंग एक लूप की तरह चलता है जिसमें केवल तीन स्टेप्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है? एक बार आपको मैं फिर से इमेज दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा. तो ये रहा इमेज, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट वेरियस डिवाइसेस के थ्रू इनपुट प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद सीपीयू के थ्रू डेटा प्रोसेस हो रहा है और उसके बाद मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर्स के थ्रू आउटपुट प्रोवाइड होता है, ठीक है? अब चलिए देखते हैं हम आगे. इनपुट, तो इनपुट इज द रॉ इन्फॉर्मेशन इंटर्ड इन टू द कंप्यूटर फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेज. इट इज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, नंबर्स, इमेजेस एटसेट्रा. कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा आर सम इनपुट डिवाइसेज. तो इनपुट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कंप्यूटर रॉ डेटा को वेरियस इनपुट डिवाइसेज के थ्रू कलेक्ट करता है. एक बार फिर से देखते हैं, इनपुट इज अ प्रोसेस इन विच द कंप्यूटर कलेक्ट्स द रॉ डेटा थ्रू वेरियस इनपुट डिवाइसेज. इनपुट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कंप्यूटर वेरियस इनपुट डिवाइसेज के थ्रू डेटा को, रॉ डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है? अब उसके बाद प्रोसेस, जब ये डेटा कलेक्ट हो जाता है तो कंप्यूटर क्या करता है, उसके बाद कंप्यूटर इस इनपुट डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है. अब ये प्रोसेसिंग कैसे होती है, तो ये प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के हेल्प से, जिसमें कि सॉफ्टवेयर वेरियस काइंड के इंस्टॉल्ड होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेट ऑफ कमांड्स होते हैं जिनके अंडर में ये डेटा प्रोसेस होता है, ठीक है? फिर से देख लीजिए, प्रोसेस इज द स्टेप इन विच द रॉ डेटा इज बींग कन्वर्टेड इन टू स्पेसिफिक डेटा. यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा स्टेप है जिसमें कि रॉ डेटा को स्पेसिफिक डेटा में कन्वर्ट किया जाता है. अब तीसरा पॉइंट आता है आउटपुट. तो जब ये डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है, स्पेसिफिक डेटा में कन्वर्ट हो जाता है, यूजफुल या मीनिंगफुल डेटा बन जाता है, तो उसके बाद कंप्यूटर हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है. इन आउटपुट इज द प्रोसेस डेटा गिवन बाय द कंप्यूटर आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग. यही जो मैंने अभी आपको बताया. अब उसके बाद है स्टोरेज. अब जब हमें आउटपुट मिल जाता है तो वो हमारे काम आ जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि हम उसको फ्यूचर में भी यूज
कर सके। तो फ्यूचर में यूज करने के लिए हमें उसे चाहिए स्टोर करना, और स्टोर करने के लिए हमें स्टोरेज डिवाइस चाहिए। तो जब हम स्टोरेज डिवाइस में इस प्रोसेस्ड डेटा को स्टोर करते हैं तो इसी को हम स्टोरेज बोलते हैं। अब आते हैं हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पे, मतलब कि कंप्यूटर की खासियतें क्या क्या होती हैं। तो कंप्यूटर की बहुत सारी खासियतें होती हैं, चलिए देखते हैं। पहली चीज है स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, स्टोरेज कैपेबिलिटी एंड वर्सेटाइलिटी आर सम ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनमें पहला होता है स्पीड, दूसरा होता है एक्यूरेसी, तीसरा होता है डिलीजेंस, चौथा होता है स्टोरेज कैपेबिलिटी और वर्सेटाइलिटी। स्पीड, स्पीड मतलब कि स्पीड से आप क्या समझते हैं? तो हमारे रेफरेंस में तो हम जितना तेज दौड़ सकें या जितनी तेज गाड़ी भगा सकें या साइकिल चला सकें उसे हम स्पीड बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर के टर्म में स्पीड का मतलब क्या होता है? तो स्पीड का कंप्यूटर के टर्म में मतलब होता है कि कंप्यूटर किसी भी टास्क को कितने स्पीड में परफॉर्म कर सकता है। तो कंप्यूटर परफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एट अ वेरी हाई स्पीड, मतलब कि कंप्यूटर जो होता है वो बहुत फास्ट होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को भी बहुत हाई स्पीड के साथ बहुत ही कम समय में कर सकता है। दिस स्पीड वेरीज फ्रॉम अ फ्यू माइक्रोसेकंड्स टू नैनो सेकंड। अब ये जो स्पीड होता है या ये जो टाइम टेकिंग होता है वो कुछ माइक्रोसेकंड से लेकर नैनो सेकंड ही लगता है उसको, ठीक है? अगर हम बोलें तो कई बार ऐसा होता है कि एक सेकंड के 20,000वें हिस्से या 20,000 हिस्से में ही ये एक टास्क को कंप्लीट कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फास्ट है। दिस इज द मेजर फैक्टर विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, और ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से कंप्यूटर के डेवलपमेंट को और ज़्यादा बल मिला है, ठीक है? अब आते हैं एक्यूरेसी पे। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितना सही होता है, ठीक है? जैसे ह्यूमन बींग की बात करें हम, तो भले ही वो कितना भी परफेक्ट हो लेकिन कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन कंप्यूटर का खासियत होता है कि कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। कंप्यूटर की एक्यूरेसी जो होती है वो 100% होती है, क्योंकि कंप्यूटर जो काम कर सकता है उसको 100% करेक्ट करेगा, और जिसको नहीं कर सकता है उसको बाई डिफॉल्ट नहीं करेगा, वो एरर बता देगा। तो आप समझ सकते हैं एक्यूरेसी इसकी, जब ये गलती कर ही नहीं रहा तो इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी? 100%। अब आते हैं हम डिलीजेंस पे। तो व्हेन वी यूज कंप्यूटर फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम द कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड और फैटिग्ड, इट कैन परफॉर्म लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस विद द सेम स्पीड एंड द एक्यूरेसी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। कहने का मतलब ये है कि जैसे ह्यूमन बींग की बात करें हम, तो ह्यूमन बींग जो होता है वो काम करते 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 आधे घंटे, एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे या पाँच घंटे के बाद फाइनली थक जाता है, और उसके बाद उसके काम करने का जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर जो होता है स्टार्टिंग में जिस स्पीड से काम करता है वो उसी स्पीड से लास्ट टाइम भी काम करता है। सपोज़ करो आपने कंप्यूटर को 10 दिन पहले चालू किया था और आज आप यूज करो, तो 10 दिन पहले जितना स्पीड था उसका उतना ही आज भी रहेगा, वो थकता नहीं है। अब आते हैं हम स्टोरेज कैपेबिलिटी पे। तो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेबिलिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है। स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर बना था तब उतनी नहीं थी, लेकिन अभी के टाइम में स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही हाई है कंप्यूटर की। आप देख सकते हैं जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर बना था तो कुछ बाइट्स वगैरह में इसकी स्टोरेज होती थी, बट ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज टेराबाइट, पेटाबाइट, गीगाबाइट इन सब में आ चुकी है। तो यहाँ पे आप जो टेबल देख रहे हैं आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपको दिखा देगा स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर की कितनी होती है, या कुल मिला के बहुत ही हाई होती है, ठीक है स्टूडेंट्स? अब आते हैं हम वर्सेटाइलिटी का मतलब। वर्सेटाइलिटी का मतलब होता है कि आप एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर सकते हो, ठीक है? तो कई ह्यूमन भी होते हैं जो एक ही टाइम पे बहुत सारा काम कर लेते हैं, जैसे कि मम्मी किचन में खाना भी बना लेती हैं, इधर सबको खाना भी खिला देती हैं, चाय भी पिला देती हैं, बहुत सारे काम कर लेती हैं। तो बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर भी वर्सेटाइल इन नेचर होता है। आप इससे एट अ टाइम बहुत सारे काम करवा सकते हो, ठीक है? तो वर्सेटाइलिटी का बेसिक मतलब होता है कि एट अ टाइम अ थिंग कैन परफॉर्म या अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म टू और मोर टास्क। अब उसके बाद आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मशीन टुडे, मतलब कि कंप्यूटर जो है वो आज के समय में सबसे ज़्यादा पावरफुल मशीन है। इट इज़ बीइंग यूज्ड एवरीवेयर, लेट अस डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ आवर सोसाइटी। इसको हर जगह यूज किया जाता है आज हमारे डेली लाइफ में, और ये
इसका हमारे सोसाइटी के वेरियस सेक्टर्स में बहुत सारा यूज है। जैसे कि अगर हम पहले बात करें तो आप देख सकते हैं एजुकेशन, एजुकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई के समय में। अभी जो हमारे हाथ में मोबाइल है जिसके थ्रू मैं अपना वॉइस रिकॉर्ड करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक तरह का कंप्यूटर है। और इसे मैं किस लिए यूज कर रहा हूँ, फॉर एजुकेशन पर्पस, टू एजुकेट यू। तो ये एजुकेशन के फील्ड में यूज हो रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिनके थ्रू भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। तो ये है एजुकेशन के फील्ड में कंप्यूटर का यूज, ठीक है। दूसरा है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब कि सरकारी काम काज में भी कैसे यूज होता है कंप्यूटर। तो देखिए, कल आपने देखा होगा कि पीएम मोदी जी टीवी पे आए थे और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो इन जो बातें उन्होंने कही, ये सारे कामकाज कहाँ परफॉर्म होते हैं, ऑब्वियसली कंप्यूटर पे परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, जो पीडीएस सिस्टम होता है जिसके थ्रू गरीबों को चावल वगैरह दिया जाता है, इस सबका डेटा कहाँ तैयार होता है, कंप्यूटर में तैयार होता है। अब उसके बाद मेडिकल, तो आप जब जाओगे किसी मेडिकल या किसी हॉस्पिटल में तो आप देखोगे वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि एक्सरे मशीन हमारे बॉडी को स्कैन करती है, जैसे कि माइक्रोस्कोप हमारे ब्लड में जो वायरस होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं उनको देखती है, और भी ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं जो कि मेडिकल के फील्ड में काम आते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी आप देखोगे कंप्यूटर का यूज होता है, चाहे वो रिसर्च का काम हो, चाहे वो किसी घर का डिजाइन बनाना हो, इन सारे चीज़ों में आज बहुत सारे कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बहुत ही एफिशिएंटली काम करते हैं। उसके बाद अब देखोगे एंटरटेनमेंट, तो चाहे आप मोबाइल पे फिल्म देखो या कंप्यूटर पे देखो या ऑनलाइन देखो, ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अब होम में आप देखोगे आपको घर वाले पढ़ाते हैं या फिर कुछ और बहुत सारी काम होते हैं, चाहे कोई नया डिश सीखना हो, ये सारी चीज़ें भी किसके हेल्प से पॉसिबल हुई हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अब एडवर्टाइजिंग, आप जब भी टीवी ओपन करते हो आप देखते हो बहुत सारा एडवर्टाइज आता है, इसका पेप्सोडेंट का, कभी कभी कोलगेट का, कभी क्लोजअप का। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एडवर्टाइजिंग में भी यूज होती हैं कंप्यूटर्स। यूट्यूब पे भी आप देखोगे बहुत सारा एडवर्टाइज चलता है। उसके अलावा स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स में भी देखोगे आप कि स्पोर्ट्स में भी कंप्यूटर का यूज बहुत सारा होता है। जैसे कि आपने चक दे इंडिया देखा होगा, तो उसमें वो वीडियो देखते रहता है कंप्यूटर में और देखता है कि कैसे जो फॉरेन के प्लेयर्स होते हैं वो कैसे प्ले करते हैं, और फॉरेन के जो प्लेयर्स होते हैं वो इंडियन प्लेयर्स को कैसे ट्रैक करते हैं कि इनके खेलने की स्ट्रेटजी क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये रियल लाइफ में भी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और अगर नहीं क्लियर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा व्हाट्सएप के थ्रू। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे।